पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयान अपना पहला टेस्ट काफी ज्यादा अच्छे नंबरों से पास कर चुका था और आ चुका है दोबारा से उस दद्दू को ठीक करने के लिए जो जहर के असर में था। ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 4 एपिसोड 11 जो कि हिंदी डब में होगा और हम और तुम मिल गए इस एपिसोड को देखेंगे। तो चलो एनिमे एपिसोड को करते हैं शुरू। मिस याफी, आप और मास्टर यांशो एक दूसरे को जानते हैं? मैं कई सालों से जानती हूँ। मैंने ही नालान से की जहर से छुटकारा पाने में गुजारिश की थी। हमारे रिश्ते इतने भी बेकार नहीं, मैंने सही कहा ना मास्टर शावियान? मैं क्यों हूँ? तुम सच में बेकार हो। पहले रिस्पेक्ट कर रहा था, मास्टर यांशो रूप चेंज किया तो कोई पहचान ना पाए इसलिए इस तरह करके बात कर रहे हैं। तुम बहुत अजीब लड़के हो। तुम में हिम्मत भी बहुत है, मेरी शराब पीने की हिम्मत की, लेकिन जब तुमने नालान यांशो को देखा मुझे उम्मीद नहीं थी। जिसे तुमने देखा वो यांशो था, शोया नहीं। तुम भी यहाँ आई हो क्या दावत की वजह से? अब देखो कितना अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं जब वो चला गया तो। नालान परिवार में एक जरूरी बात है, यहाँ सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, सीमा साम्राज्य की कई बड़ी ताकतें भी बुलाई गई हैं। जहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? हैरानी की बात है कि तुम नालान से के शरीर से फायर पॉइजन पूरी तरह निकाल सकते हो। पहल की गिव है को शाही राजधानी में पॉइजन उससे तो निकल जाएगा लेकिन शावियान का अंदर आ चुका है। अगर ये उस मेडिसिन के लिए नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होता। वो तो है, चलो अंदर आओ और देखो। रिवर के हेड भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, उन्हें मास्टर है को भी अपना गार्ड बना लिया है। मेरा मन नहीं है। एक काबिल हैंडसम लड़का तो सबको डराता है। रुको, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, मेरी बात खराब होने दोगे? थोड़ी दिल के लिए मेरी मदद करो। ठीक है, तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोमबत्ती की लपटों से सावधान रहें, चोरों से सावधान रहें। ओ, ये कौन है जो अंधेर रात में घोड़ा दौड़ा रहा है वो भी इतने स्पीड में? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? वो सुनाई भी नहीं देता उसको, वो सुना भी नहीं, चला गया। वाह, अलग अलग तरह का टेस्टी खाना। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। आप लोग मेरे पिता के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए आए। अब मैं बुलाता हूँ जीमा साम्राज्य के मार्शल लाइन हार्ट, नालान फैमिली के मुखिया, मेरे पिता नालान जे। आज रात के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज रात की दावत, काफी वक्त तक ये बुरा दर्द में था मेरे शरीर में, फायर पोषण की वजह से जैसा था वैसा। शायद कुछ लोग सोचते हैं क्या नालन परिवार इस बूढ़े को खो देगा। आज उनके निराश होने का दिन है। फायर पोषण जेका कुछ नहीं कर सका, मार्शल लॉयन हार्ट एम्पायर की सेवा करते रहेंगे जियामा साम्राज्य के सम्मान के लिए। ये परिवार के हेड हैं, मास्टर टेंशन। इससे तो पहले भी मिल चुका है। परिवार के हेड ये यांशो है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। यांशो भाई, सुनने से बेहतर है देखना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मीटियर फैमिली के हेड मीटियर टेंशन। फैमिली हेड टेंशन, आप जितना सोच रहे हैं मैं उतना भी मशहूर नहीं हूँ। दोस्त यांशो उस बूढ़ी लोमड़ी को अच्छी तरह जानता है। भाई बहुत नरम दिल है, जिनका हैलाव इज्जत करते हैं पूरे जियाना एम्पायर में बहुत कम लोग हैं। इसे नॉर्मल कैसे कहा जा सकता है? हैलाव और मीटर फैमिली के बीच के रिश्ते इतने बुरे भी नहीं हैं। यांशो भाई, किसी भी वक्त अगर राजधानी में किसी भी चीज की जरूरत हो याफी के पास जाना। मुझे लगता है वो मीटियर टेंशन को नहीं जानते, लेकिन वो याफी के बहुत करीब है। यांशो को फायर पोजीशन से छुटकारा दिलाने के लिए याफी ने ही भेजा था।
वो चालाक टेंग शैंग खूबसूरत लड़कियों का भी इस्तेमाल करता है, उसे कोई शर्म नहीं है यान शियाओ की काबिलियत से। पूरा सुना रहा है उसका भविष्य सबसे बेहतर होगा अगर इस तरह के लोग मेरी परिवार की ओर चले गए। ये सच में मेरे दिल को तकलीफ देगा। अब इसका तरफ क्यों देख रहा है? इसका दिमाग कुछ चल तो नहीं रहा है। नहीं नहीं भी तो यंचाओ ने भी तुम्हें अब तक ठीक से देखा भी नहीं। ये अच्छी बात है कि तुम्हें परिवार से बाहर नहीं निकाला गया। स्पेशल है फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो आपको मारने के लिए मुझे मत दोष देना। देखना अगर आपने फिर से बकवास की तो मेरी नारी मत खींचो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हम परिवार हर टेंशन के साथ बात करेंगे। कोई बात नहीं। लियोनिंग, क्या ये वही है जिसे तुम्हें हराया है? ये बहुत नॉर्मल लगता है। देखो एक आदमी की काबिलियत कोई नहीं जानता। शायद वो शख्स छुपके से धोखा दे रहा हो। भारियोलिंग पिल किंग गुहे के स्टूडेंट, आप ऐसे अनजान आदमी से कैसे हार सकते हैं? वो शख्स इतना भी अच्छा नहीं था। पता चला कि वो मिस जाफी को अच्छे से जानता था। तुम बेवकूफ ठहरने के लायक हो। मुझे परवाह नहीं कि उसको आमंत्रित किया गया है या दूसरे लोगों के आमंत्रण के साथ आए। सहताज की रात कुछ दिलचस्प होने वाला है। क्या ये कौन है घुड़सवार इतना तेजी से जा रहा है? कौन आ रहा है? मेरे रास्ते से हटो। इसको सीधे यहीं पे आना है लग रहा है, और किसी को ढूंढ भी रहा है। झुंड शाओयान को ही ढूंढ रहा था क्या? सीधे हमला भी कर रहा है वो। कुछ तगड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। क्या फाइट है, एक मुक्का में समझ लो पूरा हवाई बदल गया यहाँ का। जिसके बारे में बात करते हैं वो मुजान है। सही राजकारी में कौन नहीं जानता, वो परिवार में मुजान को या फिर भी दिलचस्पी है। कुछ साल पहले जो ट्रेनिंग के लिए शाही एक्स में भेजा गया था, उसमें कुछ तूफानी तड़का लगने वाला है। जो कोई भी एफी को चुनने की गलती करेगा वो उसे मार देगा। दूसरे बंदे के साथ घूमना बेशक आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। तुम्हें कोई परेशानी है या फिर मैं सीमा से वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हें देखने? तुम और खूबसूरत हो गई हो। मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी। तुम पागल हो। ऐसा लग रहा है कि वो पागल है। वो पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। शायद मुझान की ताकत डाउनशी के टॉप पे पहुंच चुकी है। यांशो इससे नहीं लड़ पाएगा। मुझे लगता है कि राजकुमारी पर यांशो का अच्छा नजर है। उसका मुझ पर अच्छा असर है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि वो ताकतवर है। तुम ठीक हो? वो कौन है? मुझान तीन बड़े परिवारों में से मो परिवार का बड़ा बेटा, अभी वो ट्रेनिंग दे गया। लड़के शाही राजधानी में नए हो तभी तुम याफी के साथ खड़े होने की हिम्मत। बदतमीजी की, और अब मुझे मारना भी चाहते हो? लापरवाही मत करो, मुझान 3 सालों पहले ही एक ताकतवर दर्शी बन गया है और उसके भी ताकत उसके सीनियर से भी आगे है। शाओयान अब नहीं रुकने वाला है। काफी हिम्मत है लड़के। क्या बोलो को आदमी है, नाना दादाजी दूसरे को आने का इंतजार कर रहा है। जल्दी खत्म करो, एक आर्किमेज ने पागल से लड़ाई की, ये भी बेइज्जती है। इतने करीब कौन से बताओगे? वो मुझसे और इस साथ तारीफ कर पा रहा है। चलो शाओयान भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। ये
क्या? ओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या वो शावियान को मोसा ने सच में अपनी ताकत उस पर तरह से छोड़ दी? मैं कह सकता हूँ कि हिंसा तो बिल्कुल भी उसका बराबर नहीं है। शायद पर इस तरह की आंख से उसको भी दबाव पड़ रहा था, शायद मुजान को भी परेशानी हो। हैरानी की बात है, तुम एक एल्केमिस्ट हो फिर भी तुम जानती हो कि कैसे लड़ना है। लेकिन मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, मेरी होने वाली पत्नी में कोई नहीं छू सकता। कवच चला रहे ये तो भी किया अनमोल बना सकता है, जब ये दिखता दूसरे के पास तक हो सकता है। अब थोड़ा शावियान को दिक्कत हो सकता है लड़ने में, या थोड़ा थोड़ा ज्यादा। मैंने कहा था तुम्हें छूने की हिम्मत जो करेगा मैं उसे मार दूंगा। मुजान, रुक जाओ। रेन कौन? मुजान रेड्स ऑफ पिंक। रोक दिया। अरे नहीं रोकना था, अभी कुछ तूफानी देखने के लिए मिलता जब शावियान अपना असली पावर दिखाने वाला था, तभी आके क्यों रोकना था इसे? शावियान अपना पावर दिखाता और इसे धूल चटाता, तब मजा आता। नोलैन, तुम्हें 2 साल से नहीं देखा, तुम बहुत ताकतवर हो गई हो। इन 3 सालों में इसने अपनी ताकत में काफी सुधार किया है। मुजान, मास्टर यांशो हमारे नालान परिवार के मेहमान हैं, तुम उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। लड़के, अगर ये लालन नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, लेकिन आगे से मेरी आफी से दूर हो जाओ। यार मिलना दिलचस्प, मुझे लगा नहीं था मेरे वापस आने के बाद मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है। मैं खुश हूँ। मोजान, इन 2 सालों में भी तुमने अपने बेवकूफी भरे घमंड से छुटकारा नहीं पाया, इससे उल्टा तुम और भी ज्यादा घमंडी हो गए हो। ये नालन परिवार की जगह है, तुम्हारा मुंह परिवार नहीं। भले ही वो मोचान यहाँ हो, वो भी नालन से की इज्जत के बिना कुछ नहीं करेगा। दादाजी नाराज मत होइए, मैं तो बस हो गया शांत था और यहाँ का नुकसान मैं भी किसी को बुलाता हूँ ये सब ठीक कराने के लिए। अब मैं तुम्हें साफ तौर से बता देता हूँ, दोस्त यांशियाओ मेरे नालन परिवार के मेहमान हैं। भले ही तुम्हारे मियू परिवार में बहुत सारे पागल हो, लेकिन मेरे नालन परिवार भी चुप नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या हुआ? मोजान वापस आते ही फिर मुसीबत में पड़ गए। मैं मोजान से तुम्हें फिर से बॉर्डर एरिया में भेजने के लिए कहूंगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, दोस्त यांशियाओ मेरे फैमिली के दोस्त है। यहाँ से जाने के बाद आप उन्हें परेशान मत करना, अगर तुमने सच में कुछ किया तो मोजान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं समझ गया। अब कुछ ज्यादा अच्छे समझा। दोस्त यांशियाओ, उम्मीद नहीं थी, दोस्त यांशियाओ ना सिर्फ पिल रेफरिंग में काबिल है बल्कि मार्टियल आर्ट में भी कम नहीं है। या फिर यांशियाओ को कुछ भी चाहिए ध्यान से उन्हें देना मत भूलना। जी परिवार है टेंशन। चालाक लोमड़ी कही के सच में बूढ़ी लगी टकरार। आप दोनों का शुक्रिया, मैं दादा नालान के दावत खत्म होने का इंतजार करूंगा। आज रात के इलाज के बाद फायर पोजन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं आपके पास किसी को भेजूंगा मास्टर यांशियाओ को यहाँ लाने के लिए। यारिन, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। लेकिन मास्टर यांशियाओ की ताकत देखकर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया।
हैलाओ की नजर सच में अच्छी है या फिर दोस्त यांशियाओ के साथ रहो जब तक उन्हें जरूरत है। मीटियर फैमिली आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा तो ये बुढ़ा अब आपको परेशान नहीं करेगा। कहीं फैमिली के हेड हमें गलत तो नहीं समझ रहे? वही समझ रहा है। चलो कहीं और चलते हैं। इसका और चल रहा है। इधर का क्या सीन है? अब जो फाइट चल रहा था एपिसोड 10 में वो अभी भी जा रही है। तगड़ा भाई एनिमेशन, क्या तगड़ा किया है। तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा, तुम अभी भी वैसे ही हो। कुछ गलत फैमिली अभी भी चल रही है शावयान को लेके उन दो के बीच में कि ये चल रहा है, तो देखते ही ये कितने दूर तक जाता है और कितने लेवल तक आगे बढ़ता है। तो ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी था, जहाँ पे एक्शन भी था, थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन भी आया, उसे देखने में और ज़्यादा मज़ा आया। तुम ज़रूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं हम किसी और एनिमे एपिसोड में। Bye.